डूड इन मी, ये एक कॉमेडी फैंटेसी थोड़ा फैमिली ड्रामा वाली मूवी है। अगर आपने 17 अगेन अमेरिकन फिल्म और 18 अगेन JTBC का के ड्रामा देखा है तो आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। हमारी फिल्म का मेन करेक्टर है पेंसु, ठीक है, वो एक क्रिमिनल है, छोटा मोटा गैंगस्टर है और एंटरप्रेन्योर दिखाता है खुद को, ठीक है। वो एक गैंगस्टर के क्या कह लो सन इन लॉ बन गया है, तो उसका रोल निभाया है पार्क सुंग वोंग ने, जिसे आपने बहुत सारे अच्छे शोज और फिल्मों में देखा होगा। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद उसकी आत्मा एक हाई स्कूल जाने वाले बच्चे में चली जाती है। तो वहाँ स्कूल में जाके उसे पता चलता है कि इस बच्चे के साथ जो है ना, जिसकी शरीर में वो गया है, उसके साथ होता है बुलीपन, और वो बुलियों से छुटकारा पाता है। वहाँ से उसका अपना एक राज पता चलता है कि उसके पुराने कुकर्म है, यस, तो उससे उसे एक लड़की है, तो वो अपनी बेटी से पहली बार मिलता है। तो क्या होता है इसके बाद, इस जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओवरऑल एक अच्छी कॉमेडी मूवी है। अगर आपको 17 अगेन पसंद आया, उससे फिल्म पसंद आई है, उससे तो अच्छी ही है ये, क्योंकि वो पहले बनी थी और उसमें थोड़े वल्गर जोक थे। इसमें साफ सुथरी कॉमेडी है और इसमें ड्रामा कम है 18 अगेन नाम के शो से, क्योंकि टाइम लिमिट कम थी। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है, थोड़ा बहुत ढंग का सस्पेंस है, देखने में मज़ा आता है, फैमिली फ्रेंडली है, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। कुछ मार धाड़ वाले सीन है और कुछ स्मोकिंग वाले बीच में सीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है इस फिल्म में, साफ सुथरी फिल्म है उसके अलावा। तो मैं इसे दूंगा 8.1 की रेटिंग आउट ऑफ 10। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में, अलविदा।